Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. चैप्टर नंबर फोर बायोनजेटिक्स के सिलसिले में आज हम लेक्चर नंबर एटीन के अंदर डिस्कस करेंगे ए टी पी बजट इन द होल रेस्पिरेशन पूरी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने ए टी प्रोड्यूस हुए और कितने कंज्यूम हुए और और उसके बाद फिर नेट गेन ऑफ एटीपी क्या है इन सारी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इसे हम टाइटल देंगे एटीपी बजट इन एरोबिक रेस्पिरेशन आपको एरोबिक रेस्पिरेशन की इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी कि एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल जब ब्रोकन डाउन होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन में एज अ रिजल्ट ऑफ वन ग्लूकोस मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन 36 सिक्स ए प्रोड्यूस होते हैं यू कैरियोर्ड्स के केस में और 38 एट ए प्रोड्यूस होते हैं के केस में 36 पर ग्लूकोस मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन ये फिगर आमतौर पर यू के बारे में लिखा जाता है और जबकि प्रोकैरियोट्स में 38 एट पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन, दो ए क्यों ज्यादा है यहां पर इस बात का भी आंसर आज मिलेगा आपको प्रोकैरियोट्स में दो ए टी के मुकाबले में ज्यादा कैसे हो जाते हैं और ये 36 और 38 एट इनको कैलकुलेट भी करेंगे कि कहां कहां से ये ए रिलीज हुए और कहां कहां, कहां कंज्यूम हुए इन सारी बातों को जानने के लिए पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि रेस्पेरेशन के दौरान ए की प्रोडक्शन कौन कौन से मैकेनिज्म के जरिए होती है तो याद रखिए कि रेस्पेरेशन में ए दो डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत प्रोड्यूस होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ए प्रोडक्शन इन रेस्पेरेशन ए की प्रोडक्शन दो डिफरेंट मैकेनिज्म के तहत होती है वन ऑफ दैम इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय केमी ऑस्मोसिस एंड द सेकेंड मेथड इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाई कैमिओस्मोसिस ज्यादातर एटीपी इस मैकेनिज्म के तहत प्रोड्यूस होंगे जबकि कुछ एटीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए भी प्रोड्यूस होंगे पहले हम जरा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय कैमोसिस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है दरअसल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में परफॉर्म होने वाला एक इवेंट है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने देखा था कि इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड एनएडी एंड रिड्यूस्ड एफएडी ये रेस्पेरेशन के डिफरेंट स्टेप्स में से लाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड एन जो कि एन एच टू है और जबकि रिड्यूस्ड एफ एडी दैट इज एफ ए डी एच टू ये दोनों रिड्यूस्ड को इनके पास इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दीज आर रिड्यूस्ड को इन रिड्यूस्ड को में रेस्पिरेटरी पाथवे के डिफरेंट स्टेप्स में इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स गेन किए होते हैं ड्यूरिंग ग्लूकोज ब्रेकडाउन और वो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन इन एनएडीएच टू और एफ टू मॉलिक्यूल्स के पास मौजूद होते हैं और वन बाय वन फिर ये एनएडीएच टू एफ टू मॉलिक्यूल रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होते हैं तो ये जब रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होंगे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनकी ऑक्सीडेशन होगी रेस्परेट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने लास्ट लेक्चर में इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया था इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ लिया था कि किस तरह से ये एन ए डी और एफ ए मॉलिक्यूल रेस्पेरेट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आकर ऑक्सीडाइज होते हैं दिस रेस्परेट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म्स ऑक्सीडेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल ठीक है इसके जरिए इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है इट परफॉर्म्स ऑक्सीडेशन ऑफ ऑफ रिड्यूस्ड एनएडी एंड एफ ये जो रिड्यूस्ड एन और एफ ए डी है इनकी ऑक्सीडेशन कॉज करती है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ड्यूरिंग दैट ऑक्सीडेशन द इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स जो इस ऑक्सीडेशन के दौरान रिलीज होंगे ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फ्लो करते हैं ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज ना सिर्फ ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं बल्कि ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं एंड बिगिन टू फ्लो एंड बिगिन टू फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जब ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होकर इनका फ्लो शुरू होता है तो दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉजेज द प्रोटोन पंपिंग एक्टिविटी थ्रू सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इस इलेक्ट्रॉन फ्लो से क्या होगा जब यह इलेक्ट्रॉन फ्लो परफॉर्म होता है तो ड्यूरिंग दैट इलेक्ट्रॉन फ्लो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोटोन पंपिंग परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं प्रोटोन पंपिंग जैसे आपको याद होगा कि तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ऐसे थे जो प्रोटॉन पंपिंग भी परफॉर्म करते थे उनमें एन रिडक्टेज आपको बताया था इसके अलावा साइटोक्रोम रिडक्टेज और फिर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये तीन मॉलिक्यूल्स के नाम आपको बताए थे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये तीन मॉलिक्यूल्स ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं बल्कि ये प्रोटॉन पंप्स भी हैं तो जब इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू जिनका मैंने अभी नाम लिया है यानी एन ए डी एच रिडक्टेज या डी भी कहते हैं इसको दूसरा साइटोक्रोम रिडक्टेज और तीसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज दिस थ्री आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रेस्परेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं और इसके साथ साथ ये प्रोटॉन पम्पिंग भी करते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो इनके जरिए परफॉर्म होता है तो ऐसी सूरत में इनके थ्रू प्रोटोन की पम्पिंग शुरू हो जाती है और ये पंपिंग किस डायरेक्शन में होती है दिस पम्पिंग ऑलवेज अकर्स फ्रॉम मेट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तो मैट्रिक्स से ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ जब ये प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी और उसके नतीजे में क्या होगा उसके नतीजे में दरअसल एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टेब्लिश हो जाएगा दिस प्रोटॉन पंपिंग लीड्स टू द दबलिशमेंट ऑफ अ प्रोटॉन ग्रेडियंट इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट किसे कह रहे हैं हम प्रोटॉन ग्रेडियंट दरअसल एक स्पेसिफिक कंसनेशन ऑफ प्रोटॉन को कह रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट मीनस A specific कंसेंट्रेशन ऑफ protons यहां पे प्रोटॉन से मतलब है H प्लस आइंस ठीक है प्रोटॉन मीन्स H प्लस आइंस हम H प्लस आइन को प्रोटॉन का नाम दे रहे हैं यहां पे तो प्रोटॉन की पंपिंग होती है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्लो और ये प्रोटॉन पंप होने के बाद जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर अक्यूबलेट करते हैं तो इस अक्यूमेशन ऑफ प्रोटॉन्स को प्रोटॉन ग्रेडियंट कहा जा रहा है यहां पे दैट इज अ स्पेसिफिक कंसनशन ऑफ प्रोटॉन इन द इंटर मेम्रेन स्पेस दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्चुअली एक्टिवेट्स द एटीपी सिंथेस इसका अगला स्टेप क्या होगा कि प्रोटॉन ग्रेडियंट ने दरअसल एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करना है एटीपी सिंथेस भी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद एक कंपोनेंट है ए टीपी सिंथेज मॉलिक्यूल जो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से एक्टिवेट होता है अगर ये प्रोटॉन ग्रेडियंट यहां पे ना स्टेब्लिश होता तो ऐसी सूरत में एटीपी सिंथेज एक्टिवेट नहीं होना था और अगर ये एटीपी सिंथेज एक्टिवेट ना होता तो एटीपी प्रोड्यूस ना होता क्योंकि एटीपी सिंथेज ना सिर्फ ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाएगा फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन यानी एटीपी सिंथेस के दो फंक्शंस हैं एटीपी सिंथेस एक तरफ तो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करवाता है यानी ए डी पी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ये एडिशन कॉज करता है और इस तरह से ए डी पी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर ये बन जाता है ए टी पी तो इस तरह से ये रिएक्शन जिसमें ए टी पी की प्रोडक्शन हो रही है रिएक्शन इज फॉसफॉरेशन रिएक्शन इट इज तो अगर ये प्रोटोन ग्रेडियंट सिंथेस एक्टिवेट होगा तो ये रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं जैसे ही एटीपी सिंथे को परफॉर्म करवाता है तो साथ ही ये प्रोटॉन्स को दोबारा डाउन दर कंसन मूव करवा देता है मेट्रिक से पहले ये पंप होकर इंटरमेम्रेन स्पेस के अंदर जमा हुए थे वहां पर प्रोटोन ग्रेडियंट बना था और अब ये प्रोटोन ग्रेडियंट जब ए टी सिंथेस को एक्टिवेट करता है तो अपॉन एक्टिवेशन ना सिर्फ ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कैटेलाइज करता है ये एंजाइम बल्कि प्रोटॉन्स को दोबारा रिटर्न कर देता है टूवर्ड्स देयर ओरिजिनल डेस्टिनेशन जो कि माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जहां से वो आए थे वहां पर वापस चले जाएंगे तो इस तरह से आप देखिए कि ये जो आपको एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यहां पर नजर आ रहा है ना दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज नोन एज ऑस्मोसिस और इस केमी ऑस्मोसिस मैकेनिज्म के जरिए ये एटीपी की जो सिंथेसिस परफॉर्म हुई है इस एटीपी सिंथेसिस को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाएगा दिस एटीपी सिंथेसिस इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हालांकि ये जस्ट एक फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है तो वर्ड ऑक्सीडेटिव क्यों इसके साथ लगाया है असल में तो ये फॉसफोरिलेशन रिएक्शन है फॉसफोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट तो यहां पर एडीपी में चूंकि एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है तो इस वजह से ये फॉसफोरेशन रिएक्शन है बट व इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेटिव इसको ऑक्सीडेटिव इस वजह से कहते हैं कि दरअसल ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एन या एफ से निकले थे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये दाखिल हुए थे और ये इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से फ्लो करना शुरू करते हैं तो आपने देखा था कि इन इलेक्ट्रॉन इन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स ने प्रोटॉन की पंपिंग परफॉर्म करवाई थी और उसके बाद फिर प्रोटॉन्स ने आगे अपना काम किया लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे तो दरअसल इन इलेक्ट्रॉन्स की मंजिल होती है कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पंपिंग कॉज करवा के खुद ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बन जाते हैं ठीक है ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के बाद दे बिकम वाटर यानी अल्टीमेटली ऑक्सीजन में इनकॉर्पोरेट होकर वाटर बन जाते हैं चूंकि ये सारा प्रोसेस यूं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है ठीक है ये सारा इवेंट यहां पर इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो रहा है इस वजह से इस फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी को ऑक्सीडेटिव नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव आपने फोटोसिंथेसिस में भी इसी तरह की एक फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी देखी थी वहां पर भी कैमिओसमोटिकली वो फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म हुई थी वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इन्वॉल्व हुआ था प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ था और फिर उसके बाद एटीपी सिंथेस ने फॉस्फोरिलेशन परफॉर्म की थी तो वहां पर भी हमने कैमिऑसमोसिस टर्म अप्लाई की थी लेकिन उस फॉस्फोरिलेशन को हमने फोटो फॉस्फोरिलेशन कहा था क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंस में काम हो रहा था लेकिन ये फॉस्फोरिलेशन चूंकि लाइट के बजाय अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो इस वजह से आप इस फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहेंगे लिहाजा आप ये याद रखो कि ये इस मैकेनिज्म के तहत जो ए टी पी की जनरेशन होगी उस प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेट फॉसफोरेशन होगा लेकिन उस प्रोसेस में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा वो कैमिओसमोस होगा ठीक है आपने इन दोनों टर्म्स को याद रखना है यहां पर द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन ए टी पी सिंथेसिस इन विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड द केमीओसमोसिस इस मैकेनिज्म को कैमिओसमोसिस कहा जाता है जबकि द प्रोसेस by which the atps are produced during chemiosmosis that process is called oxidative phosphorylation process ka naam oxidative phosphorylation aur is process ka mechanism kya chalega chemiosmosis ab chemiosmosis aap isko simply यूं याद रख लो कि chemiosmosis ek aisa mechanism hai jisme kisi molecule se electrons release होते हैं और वो electrons electron transport chain के through flow करते हैं और उन electrons की energy proton pumping में utilized होती है proton का जब ग्रेडियंट बनता है तो उससे ए टीबी सिंथे एक्टिवेट होगा और तब जाकर ए बनेगा तो ये है वो मैकेनिज्म लेकिन नाम केमी ऑस्मोसिस को क्यों दिया गया है इस नाम की लॉजिक क्या है तो मैंने आपको पिछले भी किसी लेक्चर के अंदर बताया था कि केमी ऑस्मोसिस टर्म हमने यहां पर क्यों अप्लाई की है दरअसल ये पहली बार ये थ्योरी पेश की थी पीटर मिशल ने पीटर मिशल ने 1978 के अंदर नोबेल प्राइज भी विन किया था इस कारनामे के ऊपर तो पीटर मिशल ने जब इस थ्योरी को प्रपोज किया तो इस थ्योरी को नाम कैमी ऑस्मोसिस इस बुनियाद पे दिया गया कि जिस तरह से ऑस्मोसिस की टर्म ऑस्मोसिस की टर्म एक स्पेसिफिक टर्म है ऑस्मोसिस इज यूज टू डिफाइन द मूवमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनेशन टू लो कंसनेशन ठीक है फ्रॉम हाई कंसनेशन टू लो कंसनेशन हाई से लो की तरफ वाटर की जब मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या जैसे कि सेल मेम्ब्रेन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जब वाटर की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसनशन टू लो कंसेंेशन उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज की जाती है ऑस्मोसिस तो ऑस्मोसिस टर्म सिर्फ इस फिनोमेनॉन के लिए यूज की जाएगी जिसमें वाटर की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंटेशन थ्रू सेमी परमिबल मेम्ब्रेन तो ये ऑस्मोसिस के टर्म एक स्पेसिफिक टर्म है ये हमेशा वाटर की मूवमेंट के लिए यूज की जाती है फ्रॉम हाई कंसनेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी तरह से आपने इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर देखा यहां पर हाइड्रोजन आइंस की मूवमेंट की वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म हुई है हाइड्रोजन आइंस की मूवमेंट जिसको हम प्रोटॉन पंपिंग कह रहे हैं पहले ये प्रोटॉन पंपिंग मैट्रिक्स से इंटरमेम स्पेस की तरफ होती है उस वक्त भी ये हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ मूव करता है और उसके बाद जब ये प्रोटॉन यह प्रोटोन स्पेस के अंदर जमा हो जाता है तो फिर दोबारा एटीपी सिंथेस उसको हाई एटीपीजेशन टू लो कंसेंेशन मूव करवा देता है तो आपने देखा दो दफा यहां पर हाइड्रोजन आइनस की मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है तो इस हाइड्रोजन आइन की मूवमेंट के लिए ये स्पेसिफिक टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई है जैसे कैमी ऑस्मोसिस कहा गया है याद रखो कि सिर्फ ऑस्मोसिस ये स्पेसिफिक टर्म वाटर की मूवमेंट के लिए और केमियोस्मोसिस ये स्पेसिफिक टर्म हम यूज करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस या प्रोटॉन्स ठीक है तो इस वजह से इस मैकेनिज्म का नाम केमी ऑस्मोसिस रखा है कि इसमें हाइड्रोजन आइंस की मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही थी लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो जस्ट ये नहीं कह देना कि के, कैमिओसमोसिस इज द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम हाई कंसनेशन टू लो कंसनेशन ये तो इसका लिटरल कॉन्सेप्ट है ना ये लिटरल मीनिंग के लिहाज से कॉन्सेप्ट है कि दिस इज मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस फ्रॉम हाई कंसनेशन टू लो कंसनेशन थ्रू सेमी परमिबल मेमरी जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस कैमीऑसमोसिस मैकेजम से यहां पर क्या मुराद है तो आपने यहां पर इसको एक्सप्लेन करते हुए यह बताना है कि कैमी ऑस्मोसिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ए टी पी जनरेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉसफोरिलेशन एज वेल एज ड्यूरिंग फोटोफॉसफोरेशन आप जो फोटोसेंथिस पढ़ चुके वहां पर भी इनवॉल्व होता है, दोनों तरफ एक ही है लेकिन थोड़ा सा फर्क इस बात का होगा कि फोटोफॉसफोरिलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के, फोटो के बजाय क्लोरोप्लास में होगी और ऑक्सीडेटिवेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होगी फोटोफॉस्फोरिलेशन फोटोसेंथिस का इवेंट है और ऑक्सीडेटिव फॉसफोरिलेशन ये एरोबिक रेस्पिरेशन का इवेंट है फोटोफॉस्फोरिलेशन प्लांट्स में होगी सिर्फ लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होगी तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आपने एक डिफरेंस प्रिपेयर करना है इन दोनों के दरमियान तो ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है आप इनके दरमियान से डिफरेंस बना सकते हो तो आपने इसको कैमिऑसमोसिस को एक्सप्लेन करते हुए ये बताना है कि कैमिओसमोसिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी जनरेशन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन इन दिस मैकेनिज्म द इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स जैसे यहां पर वो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन एन ए डी एच टू के पास और एफ डी एच टू के पास है जबकि आपने फोटोसिंथेसिस में देखा होगा कि वो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स दरअसल क्लोरोफिल से ओरिजिनेट होते हैं क्लोरोफिल क्लोरोफिल के वो इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फोटोसेंथिस के, के दौरान फ्लो करना शुरू करते हैं जब क्लोरोफिल के ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है तो लाइट की ऑब्जॉर्बशन की वजह से लाइट के फोटॉन्स जब इसको हिट करते हैं तो उसकी वजह से क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जबकि यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एन और एफ के पास हैं और इन दोनों मॉलिक्यूल्स ने ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गेन किए हैं तो इन दोनों ने ये इलेक्ट्रॉन्स दरअसल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑप्टेन किए यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से तो अब ये येमिओसम एक ऐसा मैकेनिज्म है इन विच द इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स सच एज जैसे एन एडीएच टू एंड एफ एच इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एंड क्लोरोफिल इन केस ऑफ फोटोसेंथिस तो कैमिओस्मोसिस इज द मैकेनिज्म इन विच इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड And they begin to flow through an electron transport chain which leads to the proton pumping, which, which leads to the proton pumping. Yeah, which causes some of the electron carriers to pump the protons, and this proton pumping leads to the formation of a proton gradient. And finally, this proton gradient. activates the ATP synthase. Upon activation, the ATP synthase not only catalyzes the phosphorylation of ADP by means of inorganic phosphate to make ATP, but it also moves the protons back to their original destination. जैसे आपने इस केस में देखा कि ये वापस matrix में चले जाएंगे, जबकि chloroplast में आपको वहाँ पर बताया था कि वो thylakoid inner space से वापस stroma में चले जाते हैं. तो दोनों जगहों पर mechanism same involved. दोनों जगहों पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो टेक प्लेस होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से प्रोटॉन की पंपिंग होती है प्रोटॉन पंपिंग से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और प्रोटॉन ग्रेडियंट से फिर एटीपी एस एक्टिवेट होता है ठीक है तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या नाम मैके हमने कैमिओसमोसिस आई होप के अब आपको ये कैमिओसमोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा तो कैमिओस्मोसिस दरअसल यहां पर रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कैमिओसमोसिस रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरह से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन है वहां परफॉर्म हो रहा है क्योंकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेब्रेन में ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मौजूद है जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू फ्लो करते हैं तो ये वो तीन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं एन ए डी एच डी हाइड्रोजिनेस या रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स दूसरा साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स और तीसरा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स इन तीनों के जरिए प्रोटॉन्स की पंपिंग होती है और वो प्रोटॉन्स यहां पर तीन दफा इस ए सिंथेस को एक्टिवेट करने का बायस बनेंगे हर दफा जब ये ए सिंथेस एक्टिवेट होता है तो ना सिर्फ ये प्रोटॉन्स को वापस मूव करवा देता, कर देता है बल्कि ये ए के अंदर इन ऑर्गेनिक फॉस्फोरेट को ऐड करके ए भी फॉर्म कर देता सो दिस वॉज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड कैमिओस्मोसिस ठीक है अब आपको ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और कैमिओसमोसिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ये ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन तो ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है सर बिल्कुल होता है कौन सी जगह सेल मेम्ब्रेन के जरिए वहाँ पर बेटे ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं प्रोकैरियोड्स के केस में ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इम्पेडेड होते हैं ठीक है तो सेल मेम्ब्रेन के जरिए एक्चुअली ये काम होगा वहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का भी हम आगे चलकर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आप देखेंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के पास आउटर कोर्ट जो है वो तो है दरअसल इसकी सेल वॉल ये सपोज सेल वॉल है सेल वॉल के अंदर जो इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन ने कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये इस तरह से ऐसे करके इन्वेजिनेशनस फॉर्म की हुई होती हैं दीज इन्वेजिनेशन आर कॉल्ड मीजोजोम्स ये मीजोजोम दरअसल इसकी सेल मेम्बरेन के पार्ट्स हैं आर एक्चुअली द पार्ट्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन तो ये जो मीजोजोम है ना मीजोजोम दिस इज मीजोजोम दरअसल ये मीज़ोजोम जो सेल मेम्ब्रेन का ही इनफेक्ट पार्ट है इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एम्बेडेड होते हैं यहां से प्रोटॉन्स की पंपिंग साइटोप्लाज्म से मीजोजोम इनर स्पेस में होगी और उसके बाद फिर मीजोजोम की इनर स्पेस से ये दोबारा वापस अपने साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे तो इस तरह से कैमिओसमोसिस इवेंट यहां प्रोकैरियोट्स में भी परफॉर्म होगा तो प्रोकैरियोट्स में आमतौर पर हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन और कैमिओसमोसिस की जो साइट बताते होते हैं वो या तो सेल मेम्ब्रेन इन जनरल अगर आंसर दें लेकिन स्पेसिफिकली आंसर दें तो मिजोजोम आंसर दिया जा सकता है यहां पर और ये मीजोजोम भी याद रखें सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है ठीक है क्लियर होगी बात अच्छा अभी ये तो हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड कैमियोसमोसिस ये तो एक मैकेनिज्म था एटीबी जनरेशन का अब दूसरा मैकेनिज्म क्या है एटीबी जनरेशन का द सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ एटीबी जनरेशन इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन ये रिएक्शन पाथवे के दौरान आपने ग्लाइकोलिस में भी देखा था और क्रेप साइकिल के अंदर भी एक पॉइंट पे देखा था तीन ऐसे पॉइंट्स आए थे थ्रू आउट द रेस्पिरेटरी पाथवे जहां पर ये इवेंट परफॉर्म होता है ये होता क्या है आप इसको यूं डिफाइन करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फरेशन इज द मैकेनिज्म ऑफ ए टी बी जनरेशन ये भी ए टीबी जनरेशन का एक मैकेनिज्म है इट इज मैकेनिज्म ऑफ ए टीपी जनरेशन ठीक है एटीपी जनरेशन का ये एक मैकेनिज्म है लेकिन इस मैकेनिज्म के जरिए एटीपी कैसे जनरेट होते हैं इस मैकेनिज्म के जरिए एटीपी इस तरह से जनरेट होते हैं कि व्हेन एन ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सब्सट्रेट वेन एन ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सब्सट्रेट कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप हो तो उसे ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सब्सट्रेट कहेंगे सो वैन एन ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सब्सट्रेट डायरेक्टली डोनेट्स इट्स फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली डोनेट्स इट्स फॉस्फेट ग्रुप ग्रुप टू ए डी पी देखिए एडीपी डायरेक्टली अगर किसी ऑर्गेनिक फॉस्फर रिलेटेड सबस्ट्रेट से फास्फेट ग्रुप गेन कर ले और वो बन जाए ए पी ठीक है डायरेक्टली डोनेट्स इट्स फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी इन ऑर्डर टू मेक ए पी दिस काइंड ऑफ ए पी जनरेशन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉसफॉर ये देखिए ये इस तरह से आपको यहां पे नजर आ रहा है आप देखिए एक एंजाइम है सपोज तो इस एंजाइम ने ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट है जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप आपको नजर आ रहा है ओके अब ए इसके पास ऑलरेडी दो फॉस्फेट होते हैं इसको कहते हैं एडीनोसिन uh... डायफॉस्फेट तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो इस एडीनोसिन डायफॉस्फेट के पास अभी मौजूद नहीं है ये फॉस्फेट ग्रुप अभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास मौजूद है तो ये फॉस्फेट ग्रुप जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के पास है ये यहां से शिफ्ट कर दिया जाता है टू एडीनोसिन डायफॉस्फेट तो एडीनोसिन डायफॉसफेट ये फॉस्फेट ग्रुप लेकर डायरेक्टली ये चेंज हो जाएगा इनटू टू ट्राइफॉस्फेट ओके जैसे एटीपी कहा जाता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो कि फॉस्फे रिलेटेड मॉलिक्यूल था वो अपना फॉस्फेट लूज करके एक न्यू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा समझ आई बात तो इस तरह से अगर कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डायरेक्टली अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर दे एडीपी को एडीपी ओ फॉस्फोरलेखन एटीपी बन जाए तो दिस काइंड ऑफ फॉस्फरिलेशन इज सबस्ट्रेट लेवल फॉसफोरिलेशन दिस इज एक्चुअली ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन थ्रू आउट द एरोटरी पाथवे तीन डिफरेंट पर परफॉर्म होगा इसमें एक एग्जाम्पल हम ग्लाइकोलिस से रिएक्शन नंबर सेवन की दे सकते हैं रिएक्शन नंबर सेवन और दूसरी एग्जाम्पल रिएक्शन नंबर टेन ये दोनों दरअसल ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन हैं ग्लाइकोलिसिस के ये दोनों रिएक्शन सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन की एग्जाम्पल हैं अगर आपसे एग्जाम्पल ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन पूछी जाए तो आप रिएक्शन नंबर सेवन या टेन की एग्जाम्पल दे सकते हैं रिएक्शन नंबर सेवन में क्या हुआ था रिएक्शन नंबर सेवन में वन थ्री बेस्ट फॉस्फो ये एक ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है 13 थ्री बिस्फॉसफोगट ने डायरेक्टली एडीपी के साथ रिएक्ट किया और वन थ्री बिस्ोग्लाइसरेट के पास जो दो फास्फेट थे एक फर्स्ट कार्बन पर दूसरा थर्ड कार्बन पर तो इसके फर्स्ट कार्बन का फास्फेट एडीपी को मिल गया एडीपी वो फास्फेट लेकर एटीपी बन गया जबकि इसका वो फास्फेट जब लूज हो गया तो अब ये बन गया थ्री फॉस्फोग्लाइसरेट अब ये बिस् फॉस्फेट से फॉस्फोगलाइसरेट बन गया ठीक है पहले बेस्ट फॉस्फोगलाइसरेट था अब ये फॉस्फोगलाइसरेट है पहले इसके वन और थर्ड कार्बन पर फॉस्फेड थे अब सिर्फ थर्ड कार्बन पर फॉस्फेट है और वो जो फॉस्फेड लूज हुआ वो किसके पास चला गया वो एडीपी के पास और एडीपी वो फॉस्फेड लेकर एटीपी बन गया सो तो ये एक आपने एग्जांपल देखी रिएक्शन नंबर सेवन की बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन नंबर टेन में भी ऐसा ही हुआ था एक मॉलिक्यूल था फॉस्फोइनोल फॉस्फो इनोल पायरोट तो फॉस्फोइनोल

फिफ्थ या सिक्स रिएक्शन था उस रिएक्शन के दौरान भी ऐसा ही हुआ था उस रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है उस रिएक्शन में को ए को ए ये एक्चुअली चेंज होता है इनटू सक्सिनेट सक्सीनेट सक्सीनेट में ये चेंज होगा कैसे चेंज होगा एक्चुअली यहां पर इसकी कन्वर्जन के लिए वाटर ऐड होता है और वाटर के एडिशन से ए को रिलीज हो जाता है इस तरह से सक्सीनेल को चेंज होता है लेकिन मीन यहां पर एक एक्टिविटी आपको पॉइंट आउट मैंने की थी वो एक्टिविटी क्या थी कि यहां पर पहले जी डी पी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिएक्ट करता है और इस तरह से जी वजूद में आता है जिस तरह से ये एडीपी होता है ना एडिनोसिन इस इसके साथ डीनोसिन फॉस्फेट का एडिशन हुआ तो ये बन गया ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के साथ एडीपी रिएक्ट करते हैं एडीपी जब इसके साथ रिएक्ट करेगा आप जीटीपी से फॉस्फेट मिल जाएगा एडीपी को और एडीपी फॉस्फेट लेकर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से जीटीपी अपना फॉस्फेट लूज करके दोबारा जी डी पी में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपने देखा कि ये इस मरल पर जो फॉस्फेट ग्रुप जी टी पी से ए डीपी को मिला तो ये भी वही सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है यहां पर जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट है वो कौन सा है भला वो ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट दरअसल जी टीपी है ये ऑर्गेनिक फॉस्फोरिलेटेड सबस्ट्रेट इसके पास फॉस्फेट है और इसने डायरेक्टली ए डीपी को वो फॉस्फेट दिया और इस तरह से वो फॉस्फेट लेकर ए टीपी बन गया तो ये रिएक्शन दरअसल क्रैप साइकिल का रिएक्शन है ये एग्जाम्पल आपने क्रैप साइकिल से ली और बाकी दो एग्जाम्पल आपको मैंने ग्लाइकोलिस से दिए है इस तरह से टोटल ये तीन डिफरेंट ओकेजनस हैं रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए एटीपी जनरेट होते हैं ठीक है भाई तो अब तक हमने ये एटीपी की जनरेशन डिस्कस कर ली है डिफरेंट जगहों पर जो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही थी वो किस किस मैकेनिज्म के तहत हो रही थी अच्छा भाई तो अब वक्त आ गया ये दोनों मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के बाद हम देखते हैं कि टोटल और नेट गेन ऑफ एटीपी पूरे रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म के दौरान कितना होगा इस बात को डिस्कस करने के लिए इस डायग्राम के ऊपर आप गौर कीजिए यहां पर पूरा रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म एरोबिक रेस्पिरेटरी पाथवे उसको यहां पे समराइज किया हुआ देखिए पहला स्टेप आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिस बताया था ट ले रिलेशन के जरिए यहां पर आपको बनते हुए दिखाएं दरअसल ये टू नहीं होते फोर एटीपीज होते हैं जो आपको अभी मैंने रिएक्शन सेवन और टेन के अंदर एक्सप्लेन किए थे रिएक्शन नंबर सेवन के अंदर भी टू ए टीपी रिलीज होते हैं और टेन में भी टू लेकिन आउट ऑफ दिस फोर ए टीपी चूके ग्लाइकोलिस में दो ए टीपी कंज्यूम भी हुए होते हैं रिएक्शन नंबर वन एंड थ्री के अंदर तो वो हम कंजप्शन माइनस कर देंगे तो इस तरह से वो कंजप्शन माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास बच गए सिर्फ टू तो इस वजह से यहां पर ये टू ए टीपी बाइ सबस्टेट लेवल फॉसफॉर रिलेशन शो किया है ओके लेकिन ग्लाइकोलिसिस में दो एन ईडीएच टू के मॉलिक्यूल्स भी रिलीज होते हैं और ये ग्लाइकोलिसिस वाले दो एनडीएच टू मॉलिक्यूल दरअसल ये साइटोसोल के अंदर होते हैं लेकिन इनकी ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होनी होती है तो मैंने आपको बताया था कि ये दो मॉलिक्यूल्स के के अगर तो के अंदर इनको ऑक्सीडाइज होना हो तो ये डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच कर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और इनसे पूरे छह एटीपी मिलेंगे एक एनडीए से तीन एटीपी मिलते हैं ना इस तरह से टोटल छ इनसे मिलेंगे लेकिन अगर किसी यू सेल के अंदर एनएडीएच टू मॉलिक्यूल्स को अगर ऑक्सीडाइज होना हो तो ऐसी सूरत में इनको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल होना पड़ेगा और माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था जहां पर हमने ए बजट इन ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया था वहां पर भी इस बात के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ये टू एनएडीएच टू मॉलिक्यूल किसी यू के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए ये एक्चुअली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इन टू टू ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन ये मैंने आपको इस तरह से शो की थी कि जब ये साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होने वाले एनएडीएच टू मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने लगते हैं तो माइटोकॉन्ड्रियल बाउंड्री पर ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन पर एक मॉलिक्यूल इनके साथ इंट्रैक्ट करता है दरअसल माइटोकॉन्ड्रियल मेमब्रेन जो है ना वो एनएडीएच के लिए इम्परमिएबल है एनएडीएच बाहर से अंदर नहीं आ सकते तो एनएडीएच क्या करते हैं कि ये डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जो कि इस आउटर मेम्ब्रेन पर इसके साथ इंटरेक्ट करेगा तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में एनएडीएस अपने इलेक्ट्रॉन्स डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट को दे, दे देंगे और खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये एनएडी पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ग्लाइस्ट्रोल थ्री फॉस्फेट में चेंज हो जाएगा अब ये ग्लाइस्ट्रोल थ्री फॉस्फेट फॉरन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद एक एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और यह एंजाइम क्या करता है कि ग्लाइसोरोट के पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स अभी रिसीव हुए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर देगा टू एफ और एफ इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर एफ बन जाएगा जबकि ग्लाइसट्रोल थ्री फॉस्फेट इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके दोबारा से डाई हाइड्रोक्सीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये यह डाईहाइड्रोक्सीटोन फॉसफेड फिर दोबारा बाहर जाकर यह एनएडीएसटो के साथ रिएक्ट करेगा लिहाजा याद रखिए कि ये ग्लाइकोलिस वाले एनएडीएसटो मॉलिक्यूल्स ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हुए एक्चुअली खुद अंदर दाखिल नहीं होते ये अपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को अंदर डोनेट करते हैं या इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से दैट वाइल्ड एंट्रिंग इन टू द माइट्रोकॉन्ड्रिया द एनएडीएस टू ऑफ द ग्लाइकोलिस इन टू एफ एडीएस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे लिहाजा इनका ए यील्ड करने का जो पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा क्योंकि एक एफ एडीएस दो ए टीपी जनरेट कर सकता है जबकि अगर ये एनएडीएच टू अंदर पहुंचते तो फिर तीन ए टीपी इससे मिल लेते लिहाजा यहां पर आपको ये दिखाया हुआ है कि ये दो एन ए डी एच टू जो ग्लाइकोलिसिस वाले हैं ये बजाय छ ए टीपी देने की ये कितने दे रहे हैं टू ए टीपी दे रहे हैं छे एटीपी किस केस में देते हैं केस ऑफ प्रो याद रखो यहां पर अगर ये प्रो में प्रोसेस होता तो इस फोर की जगह हम क्या लिखते हैं तो यही वो डिफरेंस है जो और में टीपी का डिफरेंस बनेगा जो हम अभी शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि 36 सिक्स टोटल आपको यूकैरियोट में मिलते हैं और 38 एट प्रो में तो प्रोकैरियोट में दो ए ज्यादा क्यों होते हैं वो ये वजह है ठीक है भाई अच्छा उसके बाद आप देखो कि ये टू एनडीएस टू मॉलिक्यूल से सपोज किया हमने यू के रियोर्ट की अगर हम बात करें हैं, तो फोर ए टीपी ये हासिल हो गए यह तो हो गया ग्लाइकोलोसिस का उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप था ऑक्सीडेशन ऑफ पायरवेट जिसमें पायरवेट के टू मॉलिक्यूल एसीटाइल को ए में चेंज हुए और ड्यूरिंग दिस कोई सबस्टेट लेवल फॉस्फोरिलेशन नहीं हुआ था लेकिन टू एन टू मॉलिक्यूल्स यहां से भी लिबरेट हुए थे और ये टू एनएडीएच टू मॉलिक्यूल चूंकि ऑलरेडी अंदर माइट्रोकॉन्डियो के मौजूद होते हैं लिहाजा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर जब ऑक्सीडाइज होंगे तो इनसे पूरे पूरे छ एटीपी हासिल हो सकेंगे एक एन ए डी एच टू से तीन और दूसरे से तीन इस तरह से टोटल छ फिर आप देखिए कि अगला स्टेप क्रेप साइकिल है तो क्रेप साइकिल में आप याद कीजिए क्रेप साइकिल में सिक्स एनएडीएस टू मॉलिक्यूल लिबरेट हुए थे आप क्रेप साइकिल को दोबारा जाकर रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि क्रेप साइकिल टू टाइम्स टेक प्लेस होगी एक साइकिल में तीन एनएडीएस टू दूसरी साइकिल में तीन तो टोटल छी एच टू क्रेप साइकिल से, से रिलीज होंगे एक में एक साइकिल साइकिल में में और दूसरी दूसरा तो इस तरह से इन छह एनडीए टू से टोटल एटीन ए टीपी हासिल होंगे जब इनकी रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेशन होगी और इसी तरह से ये दो एफ एडीएच टू फोर ए टीपीड करेंगे जबकि क्रैप साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से भी दो एटीपी जनरेट होंगे अभी मैंने आपको वो रिएक्शन का रेफरेंस दिया था जब ये सक्सीनाइल को सक्सीनेट में चेंज होता है और जीटीपी से फॉस्फेट एडीपी को मिलकर एटीपी बनता है तो इस तरह से ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के नतीजे में क्रैप साइकिल से दो ए टीपी लेंगे अब अगर हम इनको टोटल करें तो ये दो और दो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के जरिए एटीपी की यील्ड कहलाएगी बाय सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन टोटल एटीपी पूरे रेस्पिरेशन में फोर कहलाएंगे ठीक है और इसी तरह से अब आप देखिए कैमी ऑस्मोटिकली जो एटीपी जनरेट हुए हैं वो कितने तो आप ये फोर और सिक्स इनको समअप करें तो टेन हो गए टेन और एटीन ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और फोर थर्टी टू तो इस तरह से थर्टी टू ए ये दरअसल कैमी ऑस्मोटिकली जनरेट हुए ठीक है ऑस्मोटिक जो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिवेशन थी उसके जरिए अब ये 32 और ये 4 अगर इन दोनों को समप करें तो नेट रिजल्ट आपके पास क्या आ गया 36 ठीक है जी तो ये आपने यूकैरियोट में में कैलकुलेट किया है प्रोकैरियोट कैसे होगा प्रोकैरियोट में सिंपली आपने ये फोर की जगह इधर सिक्स लिख देना है अगर इधर सिक्स आएगा तो ऑब्वियसली यहां पे थर्टी टू की जगह क्या आ जाएगा थर्टी फोर आ जाएगा और अगर इधर थर्टी फोर आ जाएगा और फोर ये ऐड करें तो इधर थर्टी की बजाय क्या आ जाएगा थर्टी एट आ जाएगा ठीक है भाई तो इस तरह से आप देखिए प्रो कैरियॉर्ट्स में दो ए टीपी ज्यादा होते हैं और यू के दो ए हैं तो मेरे ख्याल में अब आपको ये पूरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोस मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन के नतीजे में जो टोटल और नेट गेन ऑफ ए है यानी जिसे हम ए बजट कहते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं डियर व्यूअर्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो If you have not subscribed this channel kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from biology guardian and also do not hesitate to ask any question regarding this lecture my contacts are shown on the screen thank you once again